Hey everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are safe and sound. So, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दस बिलीव ट्रू क्रीम एक्वा बॉम के बारे में. ये मुझे मिला है 10 ml का प्रोडक्ट फ्री. जब मैंने अगर आपने कुछ दिन पहले वाला मेरा इसी का जो फर्स्ट एड रीजनरेशन मास्क वाला वीडियो देखा है, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि मुझे उस प्रोडक्ट के साथ 3 सैम्पल साइज फ्री मिले थे. वन वॉज दस एक्वा बॉम, एक था मुझे मिला था मेरोटेन असेंस जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, एंड एक मुझे मिली है डिकॉक्शन ब्राइटनिंग एंड डिकॉक्शन शीट मास्क जो मैंने अभी यूज़ नहीं करी है. उसको यूज़ करूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी, लाइक ऑफ कोर्स आपके सामने यूज़ करूँगी. सो उसके बारे में बात बाद में करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस एक्वा बॉम. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को एक बार ग्रे कर दो, बेल बटन पर क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि कभी भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो मेरी वीडियोस की. एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मुझे अभी तक, तो इंस्टाग्राम पे आओ फॉलो करो यार, बिकॉज वहाँ पे मैं डेली जो भी मुझे प्रोडक्ट्स आते हैं मिलते हैं, मैं साथ साथ उनके प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स आपके साथ शेयर करती हूँ, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि मैंने कौन से प्रोडक्ट ऑलरेडी ले लिए हैं. बिकॉज आप लोग जब मुझे नीचे रिक्वेस्ट लिखते हो तो उसमें से काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं जो मैंने ऑलरेडी ले लिए होते हैं. सो कम एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट यू विल बी अपडेटेड अबाउट माई स्टफ, बिकॉज वहाँ पे कोई पैसा तो लग नहीं रहा, फ्री है फॉलो करना. सो यू कैन कम एंड follow me there. Okay, so now let's start with the video. So ये मुझे 10 ml का product मिला है. Now this product comes in two sizes. एक आता है ये 25 ml में और एक आता है ये 50 ml में. जो 25 ml वाला है that is around 1590 rupees and 50 ml वाले का price है around 2550. So I remember that. So and इनके अंदर होते हैं Napier's original formula. Now इसके अंदर इसके अलावा और क्या है वो मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे pictures डाल दूँगी उस सब की. And this product is dermatologically tested and it gonna increase your hydration level. And I don't know क्या ये चीज़ें इस चीज़ इन प्रोडक्ट्स में डालते हैं, लाइक बिलीव के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे हैव सम काइंड ऑफ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इन दैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. नाउ इसका मैं एक बार आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ. सो मैंने इसको सिर्फ एक बार यूज़ किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज थोड़ा सा लेती हूँ बिकॉज ये ना बहुत महंगा आता है. So that's the consistency of this one, guys. You can see ये बहुत light weighted gel है. Yeah. And once you spread it, it spreads like water. You can see. अब इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं, अगेन इन सब बिलीव के प्रोडक्ट्स में से हल्की सी सिट्रसी सी फ्रेग्रेंस आती है जो इनिशियली आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे इनके प्रोडक्ट्स के लिए तो फिर आपको ये अच्छी और सूदिंग लगने लग जाएगी. सो आई जस्ट लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दीज बिलीव के प्रोडक्ट्स. एंड अगेन यू कैन सी इट्स वेरी वेरी लाइट वेटेड जेल कंसिस्टेंसी में आता है. एंड इसका भी जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा सिलिकॉनी सा टेक्सचर है. आई वुड से जो क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज है ना उसके जैसा इसका टेक्सचर है. वेरी वेरी लाइट वेटेड, वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. आई जस्ट लव दिस वन. एंड नाउ मैंने इसको ना एक बार यूज़ किया था लाइक कुछ दिन पहले. सो आई वॉज लाइक चलो इसको ट्राई करके देखते हैं. मैंने कोई टोनर नहीं लगाया, नथिंग. फेस वॉश करने के बाद डायरेक्टली मैंने इसको अप्लाई किया, बट मैंने अच्छा अमाउंट लगाया, ऐसा नहीं कि जितना मैंने यहाँ लगाया इतना नहीं, अच्छा एक स्कूप निकाल के अच्छे से पूरे फेस पे इसको अच्छे से लगा लिया. एंड गाइस, आई एम अ ड्राई स्किन पर्सन एंड इसका मैंने इससे पहले मॉइस्चराइजिंग बॉम ट्राई किया है, बिकॉज दैट इज़ मेंट फॉर ड्राई स्किन एंड दिस वन इज़ मेंट फॉर ऑयली स्किन. तो जब मैंने इसको यूज़ किया ना, शाम तक मुझे इतनी सी भी ड्राइनेस फील नहीं हुई. एज यू गाइज नो कि अभी मेरी बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो रही है, एंड मैं यू नो निविया की क्रीम लगा रही थी ताकि मेरा जो स्किन है वो ड्राई ना हो. बट गाइज जब मैंने इसको यूज़ किया ना, मुझे पूरा दिन बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं हुई, एंड कोई यू नो पैचीनेस नहीं, कहीं पे इरिटेशन नहीं, खुजली नहीं. पता मुझे क्या हो रहा है कि जहाँ पे अगर मुझे ड्राइनेस यहाँ ड्राइनेस हो रही है तो मुझे वहाँ खुजली हो रही है, एंड अगर ऑफकोर्स मैं खुजला रही हूँ तो वहाँ पर फिर रैश और रेडनेस हो जा रही है. बट दिस प्रोडक्ट आई एम वेरी सरप्राइज. लाइक मेरे को था ये नॉर्मल स्किन लाइक नॉर्मल टू ऑयली वालों के लिए बेस्ट सूटेड है, बट ऑफकोर्स अगर आप इसका एक जेनरस अमाउंट लगाएंगे ना अपने पूरे फेस पे अच्छे से, तो आई थिंक ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी परफेक्ट है. सो
I don't know what to say about this one, but this one is suitable for all skin types. Now, इसको जो moisturizing balm है, I love that one. That's balm. But again, this one is also balm. Like the name say, it's a true cream aqua balm. It truly it is. So I'm not saying कि आप directly इसका 2500 वाला ले लो, like 50 ml वाला ले लो, but जब भी आपको कोई इस तरह की offer मिलती है, जैसे जिसमें 1590 above पे आपको इस तरह के छोटे छोटे दो तीन sample size free मिलने हैं, ये mostly ये वाला offer ना आता है बिलीफ पे. तो जब भी आपको ऐसा कोई offer दिखता है ना, तो आप मान लो एक छोटा 25 ml वाला कोई product ले लो और उसके साथ आपको तीन चार और options मिल जाएंगे try करने को, तो उस time पे the best टाइम होता है. ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और आपको अच्छे से आप उनको टेस्ट आउट कर सकते हो कि आपके स्किन पे सूट करेंगे या नहीं करेंगे. बट आई कैन से दीज बिलीव प्रोडक्ट्स आर ट्रूली मैजिकल. दे आर परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. इफ यू हैव डिहाइड्रेटेड ड्राई स्किन, पैची स्किन, give this a shot. You gonna love this one. That's all about this quick review video guys. I hope you found this video helpful. अच्छा लगा video helpful लगा, like जरूर करके जाना. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो. इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो. मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.